हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडोविनेशन। तो आज हम देखने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशंस। एंड आई नो कि वापस ये वीडियो डालने में लेट हो गया क्योंकि कॉलेज का कुछ काम था। आई हैड सम इंटरव्यूज एंड बाकी भी एग्जाम्स वगैरह थी, तो इसलिए इस वीडियो को डालने में थोड़ा लेट हो गया। बट मैं कल और एक वीडियो डाल दूंगा। तो अभी ऐसा होगा कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन देखेंगे, उसके बाद प्लेन्स देखेंगे, और उसके बाद फिर आई वॉन्ट टेक एनी सजेशंस, आई एक्सप्लेन सम टॉपिक्स माई सेल्फ। जैसे मुझे लगता है कि वो आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक सजेस्ट नहीं किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो टॉपिक्स भी पढ़ लो, है ना। तो अब इसके बाद मैं वो टॉपिक्स डिस्कस करूँगा, तो ऐसा होगा फिर, है ना। तो अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्लेन्स, और उसके बाद और दो या तीन टॉपिक्स के और वीडियोज आएंगे, तो ये होगा अभी आगे। उसके अलावा जाके www.redovination.com चेक कर लो, मैंने एक नया पोस्ट डाला है उस पर ऑन हाउ टू गेट रिड ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन। तो बहुत लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो आई होप कि आपको भी वो पोस्ट पसंद आएगा। एंड या लेट्स स्टार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, तो आ गए हम हमारी छोटी स्क्रीन की तरफ, और सबसे पहला सवाल जो आज हम देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये जनरली आगे आपको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस जब पढ़ाएंगे ना तब आएगा, और तब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। लेकिन सिंस अभी हमको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस नहीं आता है, बहुत से लोगों को आता भी होगा, इतना कुछ टफ नहीं होता है वो, तो उनको आता भी होगा, तो उनके लिए बहुत इजी है। लेकिन हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। देख तो देखते हैं, बोला है इंटीग्रल 0 to x और एक इंटीग्रल 0 to u f(t)(dt)(du) इज इक्वल टू, है ना। और चार ऑप्शंस दिए हैं मेरे को। तो देखो सबसे पहले इसको हम ऐसे करेंगे, इसमें दो फॉर्मूला हमको याद रखने हैं, दो कंसेप्ट याद रखने हैं। एक होगा बाय पार्ट्स थ्योरम, जो बताता है मुझे कि इंटीग्रल ऑफ वी यू डी एक्स, अगर यहाँ पे लिमिट ए से बी है तो ये होता है मेरा, इसमें से यू को हम कांस्टेंट पकड़ते हैं, तो यू टाइम्स वी डी एक्स, और यहाँ पे होगा ए से बी माइनस इंटीग्रल ऑफ यू डैश इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, और इस सब का एक फिर होगा डी एक्स, और फिर लगेगी लिमिट ए से बी, है ना। ये हो गया एक बाय पार्ट्स थ्योरम वाला क्वेश्चन, मतलब बाय पार्ट्स थ्योरम वाला कंसेप्ट। और एक दूसरा आता है लेबनीज थ्योरम वाला, आई डोंट नो द फॉर्म स्पेलिंग, लेबनीज थ्योरम आता है, तो जिसमें हमें बोला जाता है कि अगर मेरे पास डी बाय डी एक्स निकालना है, मुझे लिमिट है यू एक्स से एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे है एफ ऑफ टी डी टी, सॉरी यू एक्स से वी ऑफ एक्स होगा यहाँ पे, तो ये होता है मेरा एफ ऑफ वी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ वी ऑफ एक्स बाई डी एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ यू ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ यू ऑफ एक्स बाय डी एक्स। मतलब अगर अंदर का जो इंटीग्रेशन है इट्स अ डिफरेंट फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ टी है, और जो लिमिट्स है मेरी वो फंक्शन ऑफ एक्स है, और एक्स के रिस्पेक्ट में ही अगर फंक्शन अगर इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि हम सवाल में ये सारे कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी टर्म को कंसिडर कर लूंगा यू, और इंटू वन कर दूंगा, और उसको कंसिडर करूंगा वी, है ना। और सिंस यहाँ पे इंटीग्रल डी एक्स होता है, मतलब यहाँ पे डी एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं हम वी इंटू यू, यहाँ पे वी इंटू यू, और यहाँ पे डी यू है, तो जहां जहां पे यहाँ पे डी एक्स होगा वहां वहां पे मैं डी यू लिखूंगा, है ना। अब फॉर्मूला मुझे पता है तो अब मैं लिखते जाऊंगा, तो मैं लिखूंगा पहले u, तो u आएगा मेरा 0 से इंटीग्रल 0 से u f ऑफ t dt टाइम्स इंटीग्रल ऑफ v dx, तो यहाँ पे होगा इंटीग्रल ऑफ 1 du, क्योंकि dx मेरा du है, और ये लिमिट लगेगी मेरी a से b है, तो यहाँ पे होगा 0 से x माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 टू x u डैश, u डैश मतलब ये। अब u डैश क्या होता है यहाँ पे, u डैश होता है यहाँ पे डी यू बाय डी एक्स, है ना। तो यहाँ पे डी एक्स होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा डी बाय डी यू, और इंटू मेरा फंक्शन क्या है यू, यू डैश मतलब यू क्या है मेरा यहाँ पे 0 से u एफ ऑफ टी डी टी इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 du, और बाहर डी एक्स है तो एक बाहर डी यू आएगा, तो देखो ये फाइनली क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ 1 du क्या होगा, यू होगा, तो यू टाइम्स एफ ऑफ टी डी टी, और यहाँ पे एक इंटीग्रल 0 से u, और यहाँ पे 0 से x माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 से x
अब देखो, अब यहाँ पे आएगा लेबनीज थ्योरम, डी ऑफ डी यू ऑफ एफ ऑफ टी डी टी इंटीग्रल 0 से यू। तो देखो ये सिमिलर बन रहा है ना, यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे यू है, फंक्शन ऑफ यू है, और ये दोनों फंक्शन ऑफ टी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एफ ऑफ यू टाइम्स यू का डिफरेंशिएशन यू के रिस्पेक्ट में 1, तो एफ ऑफ यू आएगा, माइनस 0 डालूंगा तो 0 आएगा, मतलब एफ ऑफ यू आएगा ये डिफरेंशिएशन। तो ये जो पार्ट पोर्शन है मेरा, ये आ गया मेरा एफ ऑफ यू, और यहाँ पे एक इंटीग्रल यू और एक डी यू, है ना, समझ रहे हैं ना आपको। अब देखते हैं, अब मैं एक्स की वैल्यूज डालूंगा सारे यू में, है ना, तो ये क्या होगा मेरा एक्स इंटीग्रल 0 से एक्स एफ ऑफ टी डी टी माइनस यू एफ ऑफ यू डी यू 0 से एक्स, है ना। अब देखो, अब इंटीग्रल एफ ऑफ टी डी टी लिखूं या इंटीग्रल एफ ऑफ यू डी यू लिखूं, सेम ही है ना। मैं टी को अगर यू कंसिडर कर लूं तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से एक्स एफ ऑफ यू डी यू और बाहर एक एक्स माइनस इंटीग्रल 0 से एक्स यू इंटू एफ ऑफ यू डी यू। तो अगर इनको कंबाइन कर लूँ तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रल के अंदर एक्स माइनस यू एफ ऑफ यू डी यू और लिमिट जाएगी मेरी 0 से एक्स, ठीक है। तो यही है मेरा फाइनल आंसर। तो ये ऑप्शन कौन सा दे रहा है, ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर इसमें मैं वो प्रॉपर्टी लगा दूँ, प्रॉपर्टी 5, मतलब इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स ए से बी लिमिट इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाली, तो ऑप्शन बी भी सही होगा, है ना। तो ये हो गए मेरे दो करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन भी ना लेबनीज थ्योरम का ही है। आई एम स्ट्रेसिंग मोर ऑन लेबनीज थ्योरम क्योंकि ये क्वेश्चन एडवांस में आता है। जैसे अगर आप देखोगे तो बाय पार्ट्स, लेबनीज थ्योरम, इसके अलावा वो प्रॉपर्टी जिसमें हम वो करते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स, जो हमने इससे पहले जस्ट देखी वो एक प्रॉपर्टी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और प्रॉपर्टी आती है जिसमें हमें चेक करना पड़ता है कि फंक्शन ऑड है या इवन। तो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सवाल आता है ना, तो आप पहले चेक कर लिया करो कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर कभी भी बड़ा क्वेश्चन देखे, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा टर्म्स लिखे है, और अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, तो आप ट्राई करना कि आप देख सको कि मैं क्या लिमिट की सम माइनस एक्स करके कुछ कर सकता हूँ या क्या, या ये फंक्शन ऑड है या इवन है। तो ऐसे अप्रोच करने का ट्राई करना, ठीक है। इस सवाल को देखते हैं। बोला है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 से एक्स 3 टू द पावर टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब देखो, अब ना यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो लिमिट है मेरी वो एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है, और मतलब एफ ऑफ एक्स है, और यहाँ पे जो सारी टर्म्स है वो टी के फॉर्म में है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि मेरा एफ डैश एक्स जो होगा वो होगा 3 टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने एक्स डाल दिया पहले इसमें और फिर एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो हो गया 1। माइनस 1 डालूंगा तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, लेकिन 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, मतलब मेरा एफ डैश एक्स आ गया 3 टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब किसी भी एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी, है ना, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। अगर मेरा एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर बीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा है तो एफ ऑफ बीटा भी एफ ऑफ अल्फा से ज्यादा होगा, सिंस इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। अब सेकेंड वाले को अप्रोच कैसे करेंगे, देखो तो यहाँ पे ना मुझे टैन इनवर्स एक्स दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एफ डैश एक्स मेरा आ गया है 3 टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस विल बी ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि मुझे टैन इनवर्स दिख रहा है और मैं इनइक्वालिटी का यूज कर सकता हूँ, सिंस मुझे इन दी एंड इनइक्वालिटी ही प्रूव करना है। ये कब होगा, लेकिन ये हमेशा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए होगा। अगर मेरा एक्स लेस देन 1 हो गया तो फिर ये वैल्यू डोमिनेट कर जाएगी, तो ये बड़ी हो जाएगी, है ना। तो अब अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 से एक्स शुड बी ग्रेटर देन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से एक्स, तो ये तो मेरा एफ ऑफ एक्स ही है, तो ये हुआ मेरा एफ ऑफ एक्स, है ना। यहाँ पे आएगा शुड बी ग्रेटर देन, ये क्या होता है इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है टैन इनवर्स एक्स, तो ये होता है टैन इनवर्स एक्स 1 से एक्स, तो ये क्या हुआ मतलब टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स 1, ये क्या टैन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 4, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 शुड बी ग्रेटर देन टैन इनवर्स एक्स, है ना। ये इसको मैंने अलग लिखा है ना,
तो ये आएगा फाइनल आंसर, और ये फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हुआ मेरा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ग्रेटर देन वाला? ओ सॉरी, मैंने दोनों जगह लेस देन लिख दिया है। यहाँ पे ग्रेटर देन होना चाहिए और ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमें जो कंसेप्ट यूज करना है वो होता है कि अगर मेरे पास लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n इंटू एफ ऑफ आर बाय एन समेशन ऐसे टाइप में है, तो इसको इसमें इसको मैं ये लिमिट प्लस समेशन इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल, उसके बाद आर बाय एन को लिख सकता हूँ मैं एक्स, 1/n को लिख सकता हूँ डीएक्स, और इस एक्स के हिसाब से एन और एक्स के हिसाब से मैं यहाँ पे लिमिट्स भी लिख सकता हूँ इंटीग्रल की। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखो, बोला है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन टू द पावर -3/2 समेशन जे इज इक्वल टू 1 से 6n अंडर रूट जे। ठीक है, इसको लिखते हैं थोड़े अच्छे फॉर्म में। तो इसको लिखूंगा मैं 1/, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं √1 + √2 + √3 + डॉट 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 अंडर रूट 6n, और यहाँ पे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब एन टू द पावर 3/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, एन अंडर रूट एन, तो ये क्या हुआ 1/n अंडर रूट एन, और यहाँ पे हुआ √1 + √2 + √3 + डॉट 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 √6n, और यहाँ पे हुआ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो, अब ना ऐसे करते हैं, 1/n को सेपरेट करते हैं, अंडर रूट एन को सब सबके अंदर लिख देते हैं, तो ये हुआ +2/n + √3/n + √6n/n। ठीक है, समझा ना आपको, मैंने बस अंडर रूट एन को अंदर लिखा और फिर सबको डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया, है ना। अब इसको ऐसे लिखूंगा मैं 1/n समेशन अंडर रूट आर बाय एन, आर इज इक्वल टू 1 से 6n लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो, अब ये पूरी लिमिट को लिख दूंगा मैं इंटीग्रल, आर बाय एन को लिख दिया मैंने, आर बाय एन को लिख दिया मैंने एक्स, तो ये हुआ अंडर रूट एक्स, 1/n को लिख दिया मैंने डीएक्स, ये हो गया डीएक्स। अब एन इन्फिनिटी जा रहे हैं, तो एन इन्फिनिटी जाएगा तो ये 0 हो जाएगा एक्स, और जब एन मेरा 6n जाएगा, मतलब आर मेरा 6n जाएगा, तो 6n पे, अरे मतलब देखो, आर जब 1 रहेगा तो ये होगा 1/n, और सिंस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगी टर्म, तो एक्स 0 रहेगा, और जब मेरा आर 6n हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा। तो अब इंटीग्रेशन कैलकुलेट करूंगा मैं, तो ये क्या हुआ, ये होगा मेरा एक्स टू पावर 1/2 + 1 3/2 / 3/2, और ये होगा 0 से 6, तो इन दी एंड मेरा आंसर रहेगा 2 × 6 to the power 3/2 / 3, मतलब 2 × 6√6/3, मतलब 4√6, मतलब √96। तो √n बोला है, मतलब n क्या है मेरा 96, तो n/12 मतलब 96/12, तो 12 8 96, तो फाइनल आंसर मेरा इंटीजर होगा 8, है ना। ओके, तो आई होप आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इफ यू फेल्ट दैट माई एनर्जी वॉज लो, इट्स कॉज ऑफ आई हैव नॉट बिन फीलिंग वेल सिंस लास्ट 2-3 डेज, और ऊपर से कॉलेज का लोड बहुत ज़्यादा है, मतलब दिन के 3-4 असाइनमेंट करने होते हैं हमको, तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है कभी कभी, है ना। तो या अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डू शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, और इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड्स देख लेना जाके, इंस्टाग्राम पे मैं हर रोज़ नए नए फ्लैश कार्ड्स डालता हूँ, लाइक आई हैव एक्सप्लेन कंसेप्ट लाइक पेडल ट्रायंगल एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है JEE एडवांस की परस्पेक्टिव से। और एक चीज़ की जाके वेबसाइट चेक कर लो, मैंने वेबसाइट नई डिज़ाइन की है, तो बताना कि कैसे लगी आपको, और नया पोस्ट भी चेक कर लेना, है ना, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।